भारत और पाकिस्तान सीधी वार्ता करें अमेरिका। भारत और पाकिस्तान सीधी वार्ता करें अमेरिका, यानी भारत और पाकिस्तान सीधी वार्ता करें, मतलब यानी बराह रास्त मुज़ाकरात करें, सीधी वार्ता करें, बराह रास्त मुज़ाकरात करें अमेरिका। भारत और पाकिस्तान बराह रास्त मुज़ाकरात करें अमेरिका। समर्थन, ताईद, समर्थन, ताईद। वाशिंगटन एजेंसी, अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद का समर्थन करता है। यानी अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर अफसर ने कहा है कि उनका मुल्क भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीधे संवाद, यानी बराह रास्त बातचीत, बराह रास्त मुज़ाकरात का समर्थन करता है, की हिमायत करता है, समर्थन, हिमायत। दोनों देशों के बीच, यानी दोनों ममालिक के दरमियान सीमा पार आतंकवाद, यानी सरहद पार आतंकवाद दहशतगर्दी और कश्मीर मुद्दे समेत विभिन्न मसलों के कारण, विभिन्न मुख्तलिफ मसाइल के बास संबंध तनावपूर्ण हैं, ताल्लुकात ताल्लुकात पुरतनाज़ हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता, यानी महकमे खारिजा के प्रवक्ता तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन ने अपने बाज़ाबता बाकायदा जो बाकायदगी से होता रहता है संवाददाता सम्मेलन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसा कि हम लंबे समय से, यानी लंबे अरसे, तवील अरसे से कहते आ रहे हैं, हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान चिंताजनक मुद्दों, तश्वीशनाक मामलात पर सीधे संवाद का समर्थन करते हैं, पर बराह रास्त मुज़ाकरात का समर्थन, की हिमायत करते हैं। हमारा लंबे अरसे से, यानी हमारा तवील अरसे से यही रुख रहा है। मिलर की ये टिप्पणी, यानी मिलर की ये बात तब आई है जब
2 दिन पहले यानी 2 दिन कबल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सभी गंभीर और लंबित मुद्दों को हल करने के लिए भारत भारत के साथ वार्ता करने की पेशकश की। यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सभी संगीन संजीदा और लंबित मुद्दों और ज़ेरे इल्तवा मामलात को हल करने के लिए भारत के साथ वार्ता करने की पेशकश की यानी बातचीत करने की पेशकश की।